आज चूरू जिला सदार शहर से बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। लाखों रुपए का चाइनीज मांजा पकड़ा। इस विषय में हमारे शहर के सभापति राजकरण चौधरी जी ने क्या कहा, सुनिए। नगर परिषद ने भी उसको पूर्व में घोषणा की थी और विप्र फाउंडेशन सरदार शहर द्वारा पिछले दिनों गांधी चौक में एक कार्यक्रम करके और नगर परिषद और माननीय SDM साहब की उपस्थिति में, CI साहब की उपस्थिति में और ये चाइनीज मांजा के खिलाफ अभियान चलाने का एक जो निवेदन किया था उसी के अंतर्गत पुलिस प्रशासन के सहयोग से और हमारी नगरपालिका और तहसील की पूरी टीम ने मिलकर एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम ने इन 3-4 दिनों में जो माल पकड़ा है वो आपके सामने है और ये कार्यक्रम जब तक जारी रहेगा कि तब तक ये डोर जिकनी बंद नहीं होगी तब तक ये हम ये कार्यक्रम जारी रखेंगे और करीब जो माल है उसकी कीमत जो है वो आकलनकर्ताओं द्वारा इसको लाखों में बताई जा रही है। मैं इसका पूरा जानकार नहीं हूँ लेकिन 130 पैर में पकड़ी थी, 4 कार्टून हमारी टीम आज पकड़ के लाई है और एक कार्टून में करीब 60 पीस हैं, तो ये बहुत बड़ी एक है। और पिछले दिनों भी अभियान शुरू करने के बाद भी एक दो घटनाएं शहर में इस डोर से कटने की हुई है और नगरपालिका नगर परिषद हमारी इसलिए वचनबद्ध है। आभार व्यक्त करूंगा मैं पुलिस प्रशासन का और SDM साहब का जो लगातार इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। मनुष्य से लेकर बेजुबान भी इस चाइनीज मांजे से परेशान है। हमारे शहर के विप्र फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक जी पारिख ने क्या कहा, सुनिए। सभापति जी ने एक बहुत ही शानदार कदम उठाया और हमारी बात को मतलब तवज्जो देते हुए उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है जो कि चूरू जिले में मेरे मानने में सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी चाइनीज मांजा बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उनके लिए एक मुहिम है कि भाई वो चाइनीज मांजे से अपना जो त्यौहार है वो न बनाए, केवल साधारण डोर और पतंगबाजी करें। पतंगबाजी करना कोई गलत बात नहीं है लेकिन चाइनीज मांजे से जो हो रहा है नुकसान है वो सभी के लिए घातक है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभापति जी का जिन्होंने मतलब हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ प्रशासन को और सभी को सचेत करके एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अशोक पारिक है, विप्र फाउंडेशन नगर अध्यक्ष।